सी सरकार ने सुनियोजित तरीके से ये दंगा कराने का और खासतौर पर ये भड़काने का काम किया। पानी सागर में कोई मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और जमीयत उलमा की टीम ने त्रिपुरा में हिंसा के फैक्ट जुटाए, जलाई गई मस्जिदें। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा ठंडी जरूर पड़ने लगी है, लेकिन इसके जख्मों के निशान ताजे हैं, जिन पर ना तो सरकारी मलहम लगा है ना ही कोई तसल्ली मिली। यहां तक कि पुलिस के आला अफसरों ने राज्य में हिंसा की खबरों को सिरे से ही नकार दिया, जबकि राज्य के रिमोट इलाकों के हालात भयावह थे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जो तथ्य सामने आए हैं वे झकझोरने वाले हैं। एडवोकेट एहतशाम हाशमी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकेश और अंसार की टीम त्रिपुरा के दौरे पर है। उन्होंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया है। अल्पसंख्यक मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अमीश श्रीवास्तव भी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जांच में एक वारदात सामने आई है। पीड़ित से मुलाकात में हमने ये महसूस किया कि यहाँ सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया है। लोगों ने यहाँ देखा कि एक फैक्ट फाइंडिंग में एक वारदात आई, एक साथी से, एक विक्टिम से मुलाकात हुई, तो हमने ये महसूस करा कि किस तरीके से इस सरकार ने सुनियोजित तरीके से ये दंगा कराने का और ख़ासतौर पर ये भड़काने का काम किया। हमने देखा एक दुकान शॉप थी, उसको पहले दंगाइयों ने आग लगाई, और आग लगाने के बाद में उसे पता लगा कि पड़ोस की जो दुकान है वो किसी दूसरे धर्म की है। दंगाइयों ने हिंदू धर्म की दुकान को देखा, और फिर मुस्लिम धर्म की दुकान पर जिसमें आग लगाई गई थी उसको फिर उसको बुझाया, और फिर हिंदू धर्म की दुकान को बचाते हुए फिर उसका ताला तोड़ा, मुस्लिम दुकान की सामान निकाला, जलाया गया। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड वे में ये किया गया। सरकार ने और सब जानते थे कि इस तरीके का माहौल बिगड़ जाएगा। तकरीबन 10,000 की एक लोग थी, और खासतौर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 10,000 लोग थे, और उसमें इसी मैं आपको अमित मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप अभी जो सड़क देख रहे हैं, यहीं पे करीब हजारों लोगों की मॉब ने आके यहाँ पे मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दंगा भड़काने की कोशिश करी है, और जिनके साथ में पुलिस भी थी। जी अमित, मेरा यही कहना है कि हम लोग इस चीज को मुकेश जी समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। अंसार जी, ये पूरी तरीके से सरकार ने, खासतौर पर सरकार की निगरानी में था। 10,000 लोग इस कोविड के काल में, जो हम समझते हैं कि परमिशन कैसी मिली, और परमिशन मिलने के बावजूद उसमें पुलिस भी थी, हर सब लोग थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मुख दर्शक बनी रही। गोवा में करीब 10,000 की भीड़ प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और उसने मुस्लिम समुदाय की दुकानों को निशाना बनाया, एक दुकान में आग लगा दी। एडवोकेट मुकेश ने कहा कि जब हम पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर है। हमारे कुछ रिश्तेदार बांग्लादेश चले गए थे, लेकिन बीमारियों की वजह से अब वे दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह की दुआ से हम यहाँ हैं और सलामत हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने भारतीय होने पर कितना गर्व है। बतौर हिंदुस्तानी नागरिक हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों। यहाँ पे देख के जो सबसे स्ट्राइकिंग बात मुझे लगी कि जब विक्टिम से मिल रहे थे तो उन्होंने बताया कि, हमने पूछा कि आप कब से यहाँ पे हैं, बांग्लादेश कितनी दूर है यहाँ से, तो उन्होंने हमें बताया कि ये बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर है, 15 से 20 किलोमीटर है बांग्लादेश यहाँ से। तो फिर वो बताने लगे कि उनके कुछ रिलेटिव बांग्लादेश में भी हैं, और वो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी और फिर यहाँ से लोग उधर चले गए। तो फिर उन्होंने बहुत कैंडिडली बताया मुझे कि, और देखिए जो यहाँ से बांग्लादेश गए उनको कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गया, वो नहीं रहे अब, लेकिन अल्लाह की दुआ से हम यहाँ पे हैं और सलामत हैं। तो हमें ये लगा कि कितना चेरिश करते हैं वो लोग हिंदुस्तान की नेशनलिटी को, और उनके साथ अगर कोई भेदभाव हो तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में। एडवोकेट अंसार ने कहा कि हमारी जांच में दो चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि प्रदर्शन में भीड़ आनी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोटेस्ट में जेसीबी लेकर आए, इसका क्या उचित था, मतलब दुकानों को तोड़ना चाहते थे। दूसरी बात ये कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इसमें दो चीजें जो आई हैं हमारी फैक्ट फाइंडिंग में, ये बता रही है पूरी तरीके से प्लान हुए है। एक तो ये जो प्रोसेशन था इन लोगों का, इसके अंदर लोग आने थे और नारे लगने थे, वो जैसा लोग हम एक्सेप्टेशन से पहली बार ऐसा हुआ है, उसके अंदर जेसीबी लेकर के आए हैं, तो जेसीबी का क्या काम आ गया है, तो वो पूरी तरीके से दुकानों को तोड़ने के लिए प्लान था और उन्होंने जेसीबी मूव भी की एक दुकान के ऊपर। तो एक तो ये बुनियाद है जिसको हम प्लान कह सकते हैं। दूसरा जो घटना हो गई है उसके बाद में जो लीगल एक्शन होना चाहिए वैसा पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस ने इन लोगों की सबकी कंप्लेंट लेकर के और रिसीव्ड उनको दे दी है और इनको जो है एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। ये भी खुश हो रहे हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन असल में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस ने उनकी कंप्लेंट लेकर के रख ली है। अब देखना है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई। एडवोकेट एस ईशान ने कहा कि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं, ये संविधान को बचाने की कोशिश है। घटना में जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं जल्द ही उन्हें मीडिया के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स की टीम अभी त्रिपुरा आई है और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, पानी सागर, रब्बा बाजार और कई मस्जिदों में विजिट किया है जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और हमारी इनिशियल रिपोर्ट में हमें ये पता पड़ा है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली यहाँ पे थी और करीब 10,000 लोग रैली के रूप में यहाँ आए थे और उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट करी है। और सबसे खास बात यह है कि ये मुझे लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली थी जिसने ये माइनॉरिटी को निशाना बना के इनके ऊपर ये अटैक किया है। हमारे साथ लॉयर्स की टीम में एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी भी हैं और एडवोकेट मुकेश हैं, एडवोकेट अंसार साहब हैं। ये हम लोग सब लोग दिल्ली से आए हैं और हम कल अब दिल्ली वापस जाके परसों फिर वहां पे एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये एक इनिशियल वीडियो आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं जारी कर रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मुझे लगता है कि टेररिज्म की घटना को अंजाम दिया गया है यहां पे और जिस तरीके से आग लगाई गई है और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी है वहां पे वो ये बात साबित करती है कि सरकार का कहीं ना कहीं इस रैली को और विश्व हिंदू परिषद को समर्थन। जमीयत उलमा हिंद की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी त्रिपुरा के दौरे पर है। टीम पाल बाजार के पानी सागर मस्जिद भी गई जिसे जला दिया गया है। खास बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने इस मस्जिद को नहीं जलाए जाने का दावा किया था और कहा था कि ये इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। एसडीपीओ कंचनपुर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कंचनपुर सब डिवीजन पूरी तरह पीसफुल है। मैं त्रिपुरा वासियों से यह आग्रह करता हूं कि ट्विटर और फेसबुक पर चलाए जा रहे फेक न्यूज एंड रूमर्स से भ्रमित न हो। प्लीज ऐसे फेक न्यूज और रूमर्स को शेयर न करिए। त्रिपुरा पुलिस इन फेक न्यूज एंड रूमर्स फैलाने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पानी सागर में कोई मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है और वहां हुए इंसिडेंट पर पुलिस पूरी तरह कानूनी कार्रवाई कर रही है। मेरा त्रिपुरा वासियों से यह अनुरोध है कि आप पुलिस की सहायता करें और इन फेक न्यूज और रूमर्स फैलाने से बचें। जमीयत ने यह भी ऐलान किया है कि राज्य के जिन अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल या समुदाय के लोगों के मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है उनकी मरम्मत जमीयत कराएगी। त्रिपुरा में 21 अक्टूबर से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसके विरोध में त्रिपुरा में हिंदुत्ववादी संगठनों ने रैलियां निकाली जो हिंसक होकर राज्य के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगी। करीब सप्ताह भर तक राज्य के हालात बेहद भयावह रहे। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, न ही आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन लिया है। इस बीच राहत की बात यह है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हिंसा का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है और शासन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है।